आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। गया मगध प्रमंडल कार्यालय में दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीआईटी ग्रुप के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कराया है। प्रत्याशी अवधेश कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया, जिसके बाद गया बोध गया रोड इंडस्ट्रीज एरिया स्थित बीआईटी परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षकों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रत्याशी अवधेश कुमार ने भी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया एवं अपना संक्षिप्त संबोधन द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया। सभा में पहले से ही काफी संख्या में दो गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आठों जिला आरा केमूर जहानाबाद औरंगाबाद सासाराम भोजपुर गया एवं अरवल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 02 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन करके जस्ट अभी लौटे हैं और मीडिया को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा वक्तव्य लेना उचित समझा। हम लोग बिहार को नीचे जाते हुए देखा है बहुत बार, कभी स्टैग्नेंट है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ है, तो हम लोग विभिन्न कामों में लगे रहे, जीवन भर कभी बैठे नहीं। लेकिन राजनीति के एक ऐसा पहलू है जहां पर जनता की आवाज़ और जनता की काम सदन में उठाया जाता है और काम वहीं से शुरुआत होती है, किया जाता है। तो आप गया के सारे पत्रकार हैं, बाहर से भी लोग हैं, आप यहाँ तो हमारा कर्मों को देख रहे हैं, उसके विषय में हमको कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा और उचित भी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा आठ जिला शाहबाद के अंदर और मगध के अंदर में आता है जो ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में है, इसमें 6 वर्षों में मैं ऐसा काम करूं कि हमें बिहार में लोग ढूंढना शुरू कर दे कौन व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है और काम संभव। मैंने लालू प्रसाद यादव जी से भी काम कराया है जो जनता को चाहिए। आज बिहार में इतना आप बीएड कॉलेज देख रहे हैं तो पहला पायदान लालू प्रसाद यादव जी ने ही रखा है इसको। और नीतीश कुमार जी से जब बिहार के बच्चे हमारे स्कॉलरशिप बंद हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, तो नीतीश कुमार जी से आग्रह किया और उन्होंने बहुत मेरी गंभीरता से बात को सुना तो 4 लाख रुपया तक उन्होंने बच्चों को ऋण तक के स्वीकृत कर दिया। और ये भी लिखा और कहा कि जब बच्चे नौकरी लगेगा वो पैसा कमाएंगे तब पैसा लौटाएंगे। तो उन्होंने बहुत उदारता के साथ में बात सुनी और बहुत बड़ी चीज़ सारे वर्गों को, किसी में उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, ना कास्ट रिजर्वेशन है, ना कुछ है। तो सरकारों से कैसे काम कराई जाती है, ये संस्थान सब खड़ी है, सभी सरकारों से काम होकर के ही होता है और हम लोग उस काम को कराने में, लोगों को समझाने में, सही सही आवश्यकता को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। होता है वोकेशनल कोर्स का भारत सरकार से अभी बात कर रहे हैं कि दे दीजिए ताकि एक जिला में अभी प्रयोग करेंगे 2 से 4-6 महीना में, ये इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है हम 8 जिला में उसी दिन से लग जाएंगे। हम चुनाव का परिणाम नहीं सोच रहे हैं, चुनाव तो हमें मिल गया, 8 जिला का इतना बड़ा परिवार मिला है जो हाथ पर उठा करके लेके चल रहा है, तो हमको तो वही काम करने के लिए परिवार के साथ जुड़ना था। ये पावर मिल जाएगा तो सदन तक आवाज जाएगी और सदन से हम हक और हिस्सा लेकर के उन वर्गों को लेके आएंगे। टीचरों के साथ में बहुत भारी अन्याय हुआ है, कोर्ट कचहरी तक के हम लोगों को हरवा दिया गया साजिश के तहत जो इसमें लगे थे। तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। मैं इस रंगों का त्यौहार होली में सभी गयावासियों, राज्यवासियों, देशवासियों और देश विदेश में हमारे भारतीय हैं सभी को मैं होली का हार्दिक बधाई देता हूं तथा साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि होली हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी जाति भेदभाव, धर्म भेदभाव, सारा कुछ भूलकर रंगों की एक रंग में होली खेलें और किसी को परेशानी न हो, इसका खासकर ध्यान रहे। इसके साथ ही मैं फिर से सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।